अल्लाम वरमि व्यारे बच्चों उम्मीद आप सब खैरियत होंगे बेटा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम ई वी एस के चैप्टर नंबर ट्वेंटी के कोश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ई वी एस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए आपको ऊपर डेट मैंशन करनी है चैप्टर नंबर ट्वेंटी मैंशन करना है उसके बाद आप ए लिखेंगे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंशन करके क्वेश्चन आंसर्स इस्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट डू वी नीड फॉर बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है आंसर आंसर है इसका ब्रिक्स ईंटों की सीमेंट सीमेंट की पड़ती है स्टील की पड़ती है वुड लकड़ी की एंड ग्लास कांच की आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस यानी ब्रिक्स सीमेंट स्टील वुड और ग्लास का इस्तेमाल करते हैं हम घर बनाने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मेकिंग ब्रिक किस तरीके से बनती हैं आपको उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है बताना है कि किस तरीके से ईंटें बनती हैं तो इसका आंसर है ए ये पॉइंट्स में है ये देखिए ए बी सी डी आपको इसी तरीके से पॉइंट्स मेंशन करने हैं उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे ए है स्टिकी सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर जो स्टिकी सॉइल होती है यानी चिपचिपी मिट्टी उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है बी है बी है ऑप्शन द मिक्सचर इज पुट इन अ मोल्डर उसके बाद जो सॉइल का मिक्सचर होता है उसको मोल्डर में डाला जाता है तो मोल्डर में क्या होता है मोल्डर में डालने के बाद उन जो सॉइल है वो रेक्टेंगुलर शेप में कट होकर बाहर आ जाती है उसके बाद है सी द वेट ब्रिक्स आर हीटेड एंड ड्राइड तो जब मोल्डर से वो बाहर आती हैं तो वो कैसी होती हैं वो वेट होती हैं उसके बाद वेट ब्रिक को हीट किया जाता है और सुखाया जाता है उनको हीट किस में किया जाता है किल्ड में उनको हीट किया जाता है यानी भट्टी में उनको हीट किया जाता है और ड्राई किया जाता है यानी सुखाया जाता है उसके बाद है डी पार्ट द ब्रिक्स आर बिकम हार्ड एंड इस्ट्रॉग और जब वो आ, हीट हो जाती हैं ड्राई हो जाती हैं उसके बाद वो क्या हो जाती हैं वो हार्ड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं यानी कठोर हो जाती हैं और इस्ट्रॉग भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा मज़बूत भी हो जाती हैं तो ये सारा प्रोसेस है ब्रिक मेकिंग का इस तरीके से जो ब्रिक्स हैं जो ईंटें हैं वो बनाई जाती हैं अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ आर ब्रिजेस मेड इन अर्लियर डेज यानी पुराने समय में जो ब्रिजेस थे पुल थे वो कैसे बनाए जाते थे आंसर इन अर्लियर डेज द ब्रिजेस वर मेड आफ्टर सेवरल ईयर्स विद थाउजेंड्स लेबरर्स हु वर्कड एज अ टीम यानी आंसर है इसका पुराने ज़माने में द ब्रिजिज़ वर मेड आफ्टर सेवरल ईयर्स या पुलों को बनाने में कई साल लग जाते थे बहुत बहुत साल लग जाते थे विद थाउजेंड्स लेबरर्स हु वर्क एज अ टीम और कई हज़ार मज़दूर जो थे वो एज अ टीम काम करते थे यानी टीम की तरीके से काम करते थे तब जाके एक पुल तैयार किया जाता था तब जाके एक पुल तैयार होता था अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आपको डिफरेंट uh, टाइप्स के ब्रिजेस के नाम बताने हैं डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेस और उनमें से दो टाइप के ब्रिजेस को डिस्कस भी करना है यानी कि उनके बारे में अच्छे से बताना है दो टाइप्स के ब्रिजेस के बारे में और नेम्स लिखने हैं आपको सारे ब्रिजेस के आंसर नंबर फोर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर फर्स्ट आर्क ब्रिज यानी जो हमने डिफरेंट टाइप्स के ब्रिज पढ़े थे उनके नेम्स क्या थे फर्स्ट था आर्क ब्रिज सेकेंड बीम ब्रिज थर्ड था सस्पेंशन ब्रिज फोर्थ मूवेबल ब्रिज फिफ्थ बेम्बू ब्रिज और अब हमें क्या बताना है दो ब्रिजेस को डिस्कस करना है फर्स्ट है जिसमें आर्क ब्रिज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज आर्क ब्रिज एक बहुत ही पुराने तरीके का ब्रिज होता है ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोम्स और ये किससे बना होता है ईंटों से और पत्थरों से सेकेंड है बीम ब्रिज इट इज़ ऑल्सो एन ओल्ड टाइप ब्रिज ये भी एक पुराने तरीके का ब्रिज होता है इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजोंटल स्ट्रक्चर कोल्ड बीम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है यानी इस तरीके से जिसको बीम कहा जाता है विच रेस्ट ऑन सपोर्ट ऑन आइदर एंड और इसके एंड्स पर सपोर्ट होती है नाउ दीज आर बिल्ट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट और आज के टाइम में ये किससे बनाए जाते हैं स्टील से और कंक्रीट से तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे आप अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में ये करेंगे और उसके बाद आपको चेक करवाने हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे असल वरहमल वबरकू